नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप कुतिदेव में विराम चिन्हों को कैसे आप टाइप कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूं विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो विराम चिन्ह का मतलब होता है, विराम का मतलब होता है रुकने या ठहरने के लिए, चिन्ह का मतलब तो निशान। रुकने या ठहरने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए मैं आपको बताता हूं कुतिदेव में कौन कौन से विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है, किससे कौन सा अक्षर बनता है। सबसे पहले आप देखेंगे अल्प विराम मतलब कोमा। कोमा निशान के लिए आपको कुतिदेव में कौन सा निशान आपको ब्रैकेट यूज करना है, और उद्धरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा के लिए आपको कौन सा निशान यूज करना है, और सिंगल इन्वर्टेड कोमा के लिए आपको कौन सा निशान जैसे स्टार यूज करना है। डबल इन्वर्टेड कोमा के लिए आपको अल्ट के साथ 0222 प्रेस करना है। आपको डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोजिंग के लिए अल्ट के साथ आपको 0223 यूज करना है। फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम के लिए आपको ए टाइप करना है। आपको यहाँ पे निशान भी दिख रहे हैं और कौन सा किससे अक्षर बनेगा वो भी आपको दिख रहा है। अर्धविराम के लिए आपको ब्रैकेट यूज किया गया है। कॉलन मतलब उपविराम के लिए आपको परसेंटेज यूज किया गया है। ब्रैकेट के लिए आपको अल्ट प्लस 0188 और क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए अल्ट प्लस 0189। जो ब्रैकेट यहाँ पे दे रखा है आप ध्यान से देखिए इन चिन्हों को, अल्ट प्लस 0191 अल्ट प्लस 0192 क्लोजिंग, ये हो गया लागव चिन्ह। लागव चिन्ह क्या होता है, ये बनेगा अल्ट प्लस 0229 के साथ। जैसे आप डॉक्टर लिखते हो उसकी शॉर्ट फॉर्म में डाक के साथ जो बनाया जाता है डॉक्टर लिखने के लिए। ये है नीचे क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह किससे बनेगा। हाइफन मतलब योजक, किसी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए एट द मतलब एंड का निशान हो गया। स्लैश हम यूज किया जाता है, इसे आप शिफ्ट प्लस एट द रेट के साथ भी बना सकते हैं, अल्ट प्लस 064 के साथ भी आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका लोक चिन्ह मतलब मार्क ऑफ ओमिशन। ये आप निशान ध्यान से देखिए कौन सा बना हुआ है, ठीक हो गया। ये विस्मय सूचक साइन ऑफ इंटरिगेशन, जैसे हम कभी वहाँ लिखते हैं तो उसके साथ लगाया जाता है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। डिवीजन का निशान अल्ट प्लस 0187, इक्वल का निशान बराबर का अल्ट प्लस 0190, और जोड़ ऐड शिफ्ट के साथ आप डॉलर का निशान लगाएंगे तो आपका प्लस बन जाएगा। ये निशान आप इन्हें ध्यान से देख लें ये कैसे बने हुए हैं। कुछ ही ये निशान होते हैं जो हमारा हिंदी टाइपिंग में यूज किए जाते हैं कुतिदेव फॉन्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।